अस्सलाम वालेकुम, की हाल है जी थोड़ा सारे दा? अस्सलाम वालेकुम। तो जी बड़े लंबे गैप्स आ रहे हैं व्लॉग में। I hear this song all the time. Okay. तो हर बार मैं यही कोशिश करती हूँ कि भाई नेक्स्ट टाइम से मैं डेली डेली व्लॉग बनाऊंगी और अपलोड भी करूंगी, लेकिन सिर्फ सोचती हूँ। एक्चुअली रमज़ान की रूटीन ऐसी है कि ना नींद पूरी होती है और यू नो, तो आज 10वां रोज़ा है, लाइक 10वीं इफ्तार है आज, और वीकेंड है सैटरडे। तो हमने सोचा कि आज कहीं बाहर निकलते हैं, क्योंकि डेली घर पे ही इफ्तार करते करते ज़रा आज थोड़ा डिफरेंट करने का दिल किया, तो हम लोग बाहर आ गए। बाहर भी क्या है, इस्लामाबाद से ही बाहर आ गए। लाइक हम लोग इस वक्त एक्सप्रेस वे पे हैं और मरी की तरफ जा रहे हैं। एक्सप्रेस वे के ऊपर ही एक रेस्टोरेंट है, शेराज रेस्टोरेंट। वहाँ से हमने पहले भी एक दो बार हमने वहाँ डिनर और लंच किया है और उनका खाना बहुत अच्छा है, तो इसलिए आज हमने सोचा कि हम वहीं पे खाना खाते हैं, लाइक इफ्तार बुफे डिनर। पता नहीं डिनर करते हैं या नहीं, लेकिन इफ्तार ज़रूर करेंगे वहाँ पे। क्यों हरी? Because I want to. जी तो हमारे साथ रहे हमेशा की तरह, आपको रेस्टोरेंट का विज़िट करवाते हैं, उनका फूड रिव्यू भी देते हैं। Yes, we want to show you the menu and everything. Yes. We want to show you the food and we'll show you the and we'll also get dessert. और आपको उनकी प्राइसेस भी बताएंगे कि उनका इफ्तार बुफे पर पर्सन वो क्या चार्ज करते हैं। अच्छा, ये आप एक्सप्रेस वे पे व्यू भी देख सकते हैं कि कितना खूबसूरत है। बस इसी खूबसूरती को देखते हुए चौधरी साहब और राणा साहब दोनों उतर गए हैं कि हम कुछ पिक्चर्स और वीडियोस ले लें। मैं और हरीम गाड़ी में रुके हैं, ये देखें, यहाँ से आप देख सकते हैं पूरा व्यू। अच्छा, पिछले व्लॉग में मैंने वेदर को थोड़ा डिस्कस किया था। उन दिनों लाइक इस्लामाबाद में अच्छी खासी गर्मी हो गई थी और हम लोग हाफ स्लीव शर्ट्स पे आ गए थे, लेकिन अभी कुछ दिनों से, मतलब तकरीबन एक वीक से, वेदर इज़ टू गुड, लाइक अगेन सर्दी हो गई है और मौसम बड़ा मज़ेदार हो गया है, तो यहाँ पे भी अच्छी खासी ठंड है। तो लो जी आगे राणा साहब, हाजिरी किसने लगवानी है? हाजिरी ऐसे करके लगवा। देखे ऑल द वे फ्रॉम एक्सप्रेस वे, ये देखे जी, ये हमारे बेस्ट फोटोग्राफर जो सही अपने फोन का इस्तेमाल करते हैं, हमें तो करना ही नहीं आता फोन इस्तेमाल, है ना हरीम? वेरी क्यूट। वही मौजूद है ऑलरेडी, खाने का मुआयना करें खाने का मुआयना करें कि क्या खाना इस लाइक है कि हम वहाँ खा सकें। वैसे खाना अच्छा है वहाँ का भी, अच्छा है तो हम दोबारा जा रहे हैं। तो मेरी सेल्फी स्टिक जो है ना, ये देखिए, ये तुर्की वाले ट्रिप के ऊपर ऐसे ऐसे हो गई है और मुझे कोई नई सेल्फी स्टिक नहीं लेके दे रहा। जी, इसी सेल्फी स्टिक से आपका फोन गया था। हाँ तो, हाँ तो अब दोबारा इस बारे में कोई बात नहीं करनी। क्यों नहीं करनी यार, वो सेल्फी की प्राइस देखे और फोन भी देखा। सही बात है, आप सही कह रहे हैं। ले जी, हम तकरीबन पहुंचने वाले हैं तो। अच्छा, एक टाइम पे यहाँ पे कोई रेस्टोरेंट नहीं होता था, बिल्कुल ऐसे उजाड़ बियाबान होता था। सबसे पहले मेरा ख्याल है एक्सप्रेस वे पे
ग्लोरिया ग्लोरिया जींस बनी थी, ग्लोरिया जींस, ग्लोरिया जींस, और ग्लोरिया जींस पे टॉयस अ वीक आते थे हम यहाँ पे। अभी यहाँ पे चायखाना भी बन चुका है और भी सारे जितने ब्रांड्स आए थे अभी भी रेस्टोरेंट। वैसे स्वीट टूथ भी आ गया, वेरी गुड। तो अब यहाँ पे रेस्टोरेंट ही रेस्टोरेंट है, पहले यहाँ पे कुछ भी नहीं था। और ये आ गया जी शिराज। अच्छा ग्लोरिया जींस के बाद आया था ना सेकंड कप, सेकंड कप आया था। ये चिकचीनो भी आ चुका है और ये ग्लोरिया जींस के बाद जो दूसरा बना था वो ये सेकंड कप था, आई रिमेम्बर। तो अभी यहाँ पे सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सारे कप बन चुके हैं। ये देखें बारबेक्यू टुनाइट, बारबेक्यू नाइट सॉरी। और ये है जी शिराज, शिराज के साथ कौन है? पता नहीं कौन कौन से बन गए हैं। अच्छा जी 2295 पर हेड इफ्तार डिनर यहाँ पे इन्होंने लिख के लगाया हुआ है। ये देखें इनकी बिल्डिंग, और ये सलमान साहब भी आ चुके हैं, और ये इनका ओवरऑल एक व्यू मैं आपको दे रही हूँ। ये देखें हेलो, आपको पता होना चाहिए आपको पता कहाँ जा रहे हैं। सालिका। अच्छा ये देखें, ये अगर आपको डायरेक्ट टेरेस पे जाना है ना तो इसके लिए ये रास्ता है, लेकिन मैं यहाँ से जाऊँगी ताकि आपको इसका अंदर से भी दिखा सकूँ कि ये कैसे बना है। नॉर्मली यहाँ पे नीचे भी रश होता है, लेकिन रमज़ान की वजह से शायद ज़्यादातर लोग जो हैं वो रूफ टॉप पे हैं। और मेरा ख़्याल है कि इनका जो इन्होंने इफ्तार बुफे है वो रूफ टॉप पे ही सर्व करते हैं, क्योंकि यहाँ पे नीचे मुझे कोई ऐसे सर्विंग नज़र नहीं आ रही है। चलिए मैं आपको यहाँ से व्यू भी दिखाती हूँ, ये देखें। ये आप देख सकते हैं कि अंदर से इनका ये रास्ता है जो टेरेस की तरफ जा रहा है। नहीं जी। अच्छा जैसे कि मैं अभी बता रही थी कि इनका ये देखें, मेरा आइडिया ठीक था कि इनका ये बुफे इन्होंने ये फर्स्ट फ्लोर पे सर्व किया हुआ, और ये इनका आउटडोर है यहाँ से, वो भी मैं आपको अभी दिखाती हूँ। अभी आप ये देखें, आप देख सकते हैं हम दसो हाँ। ये हमारे कैसर भाई आए हुए हैं लाहौर से, इनका काम सोलर के इंस्टॉलेशन है और इसके अलावा सीसीटीवी कैमरास इंस्टॉल करते हैं, तो हमारे घर पे सारे काम यही करते हैं। और आमिर भाई आप भी कुछ कहना चाह रहे हैं तो बताएं। थैंक यू फॉर गिव अस ट्रीट। आज की ट्रीट कैसर भाई की तरफ से। यहाँ से आपको टेरेस व्यू भी दिखाते हैं, राणा साहब और चौधरी साहब की फोटोग्राफी अरूज पे। ये देखें जी कितना खूबसूरत यहाँ से व्यू है। और ये देखें कूल एंड काम एनवायरनमेंट। खजूरें और ये शरबत इन्होंने टेबल पे सर्व कर दिया है, बाकी उधर बुफे की तैयारी हो रही है।
अच्छा, ये कह रहे हैं कि ये इनका इस साइड पे इफ्तार बुफे है और कुछ देर के बाद ये दूसरी साइड पे, यानी उस साइड के ऊपर वो जो आपको नज़र आ रहे हैं वहाँ पे इनका डिनर सर्व होगा। तो बस इफ्तार में थोड़ा सा टाइम बाकी है, इसलिए लोग सब लोग जमा हैं इफ्तार लेने के लिए। और हरीम ने सूप ऑर्डर किया है, इसलिए हरीम के लिए ये नूडल्स सूप आया। अच्छा, ये हमारे कैसे भाई जो ना, ये हमें बुफे के लिए आज हमें कुछ टिप्स देने वाले हैं। सारों ने प्लेटें अंदर रख ली हैं वापस। ले जी, ये हम सेल्फी स्टिक को थोड़ा उनके करीब करते हैं। चलें जी, कैसे भाई शुरू हो जाए। तो मैं आपको एक अच्छी टिप्स दे रहा हूँ, ये है कि लेस ऑयल वाली चीज़ें खाया करें जब आप खास तौर पर बुफे पे आया करें। जब आप ऑयल से भरी चीज़ें खाएंगे तो आप दो मिनट में पेट भर जाएगा और रेस्टोरेंट वालों का दराज भर जाएगा। ठीक है, पैसों से कीप इन माइंड व्हेनेवर, इसलिए क्या करना चाहिए, कीप इन माइंड एंड व्हेनेवर यू कम फॉर ईट बुफे मेक श्योर यू कैन ईट लेस ऑयल, लेस ऑयली थिंग। थैंक यू सो मच। ये जो इनका इफ्तार के बाद ये डिनर स्टार्ट हो गया है, जिसमें आप देख सकते हैं काफ़ी वैरायटी है यहाँ पे। और हम दूसरी साइड पर भी देखते हैं कि क्या है। ये दो तरह के डिजर्ट्स हैं, जिसमें गुलाब जामुन और घी है। जी, इफ्तार और डिनर दोनों चीज़ें हो गई हमारी, इफ्तार भी कर ली और डिनर भी। खाना इनका पहले भी अच्छा था, आज भी हमें मज़ा आया इनका खाना खा के। तो रिकमेंडेड है, आप लोग भी आए शेराज रेस्टोरेंट मरी एक्सप्रेस पे। इंशाल्लाह आपसे किसी और जगह पे नए ब्लॉग में मिलते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।